हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सर्कुलेंट फैमिली की एक बहुत ही प्यारा प्लांट होता है सीडम गोल्डन ग्रास, तो आज उसी के केयर एंड टिप्स और प्रोपेगेशन की बात करने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक सीडम ग्रास का प्लांट है, सर्कुलेंट फैमिली से है और बहुत ही सुंदर। देखिए इसके जो ग्रीनिश है और इस तरीके से हाथ में छूने पे ना बहुत ज़्यादा पूरी लीफ मिलेगा। और इस तरीके से मैंने इसे स्टैंड वाले पॉट पर लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा एक स्टैंड वाला पॉट था तो इसी में मैंने इसे लगा के रखा हुआ है। और केयर की बात करेंगे तो ये जो है ना, थोड़ा सा इसको रेनी सीजन से बचा के रखना पड़ता है। विंटर के प्लांट होते हैं और 12 महीना चलने वाले प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट पर आते हैं। और इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था पिछले साल विंटर पे मैंने। और इसके जो हैंगिंग बास्केट है वो मुझसे मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो गई अभी रेनी सीजन में। समर में मैंने उसे नहीं बचा पाया और एक छोटी सी कटिंग मैंने इस पॉट पे लगाया था। बारिश के पानी से कंटिन्यू देखिए कितने सुंदर ये हरे भरे हो गए हैं। और इसकी ग्रीनरी ही इसकी ब्यूटी होती है, बहुत सुंदर प्लांट होते हैं। जिस पॉट में भी लगाएंगे ना, उस सारे पॉट को कवर कर लेते हैं इस तरीके से। और मैंने देखिए इस प्लांट को पिंच भी नहीं किया है और ना ही कोई इसे शेप दिया है, या ऑटोमेटिक ही अपना शेप एंड साइज ले लिए हैं। और सैंडी सॉइल इसे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इसे हार्ड सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे कोकोपीट या फिर आपके पास राइस हस्क हो और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और सेंट की मात्रा है वो आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी है। और पानी का जो इसमें रुकना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, रूट रॉट हो जाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, देखिए ये सारे जो मतलब ये प्लांट है ना वो ट्रिमिंग मांग रहे हैं। और ट्रिमिंग के साथ साथ देखिए इसमें छोटे छोटे रूट्स भी निकल गए हैं, स्टेम से बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो जाते हैं ये प्लांट। आप इसे धीरे धीरे पिंच करते रहिए और स्टेम से बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो जाएंगे। तो ये देखिए, और मैंने इसे ना पिछले साल ही नर्सरी पर से लेके आया था 20 रुपीज़ में। अब बहुत सुंदर इसकी ग्रोथ नज़र आ रही है, ये देखिए चारों साइड से आपको दिखाती हूँ। और अक्टूबर नवंबर में सर्कुलेंट जो फैमिली होती है ना उसके सारे प्लांट को लगाने का समय आ जाएगा। हल्की सी से रेनी सीजन में आप बस बचा के रखिए और जिस पॉट में भी लगाएंगे उस पॉट में इसकी ब्यूटी आ जाती है, बहुत ही प्यारे दिखते हैं। और आज हमारे यहाँ देखिए सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं, थोड़ा सा धूप है यहाँ, ये देखिए बहुत सुंदर। चलिए तो इसी की कटिंग लगाते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मैंने इसे दिया हुआ था स्टार्टिंग में सॉइल बनाते समय। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए, तो मैं इसे बस ओनली सी वीट का फर्टिलाइज़र मैं डालते रही इसमें। तो इस तरीके से देखिए नीचे जो हैंग हो रहा है ना उस टाइप की कटिंग लेनी है आपको। ये देखिए ये नीचे का हैंग हो रहा है ना, ये ऐसा कटिंग आप ले लीजिए। ऊपर की टिप की कटिंग भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बट ये थोड़ा सा लैगी से हो गए थे, सौगी से हो गए थे, इसलिए मैंने नीचे की कटिंग ली है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग मतलब निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपसे। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग ले ली है, नीचे बिना रूट वाली कटिंग भी ली है और आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे नीचे से रूट्स वाला भी लिया है। तो ये जो कटिंग है ना बहुत जल्दी प्रोपेगेट हो जाएगी क्योंकि मैंने नीचे इसे रूट से ही निकाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस रूट से ही निकाल दिया है। और सॉइल मैंने मेरे पुरानी हैंगिंग सॉइल है वही है जिसमें मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ा सा आपको वाइट सा दिखाई दे रहा होगा ना तो वो परलाइट है, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने लिया। और आप कैसे भी सॉइल लाइट वेट सॉइल रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इसका रूट्स है और कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड, इसके रूट्स को एज इट इज़ ऐसे ही आपको लगा देनी है, ये पूरा पॉट को कवर कर लेगा धीरे धीरे। तो मैंने रूट्स को ही निकाला है, रूट से ही निकाला है क्योंकि थोड़ा सा ये लगी हो गया था ये प्लांट। और बिना रूट के भी मैं इसे निकाल के आपको लगा के दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस टाइप से इसके बहुत पतले पतले से रूट्स होते हैं, तो आप इसे भी ऐसे करके लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत इजी होता है इसे लगाना। और ये प्लांट ना ज़रूर ऐड करिए आपके गार्डन में, अगर आपके आपको केयर नहीं आता किसी भी प्लांट का और इसे लगा के आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत फास्ट ग्रोइंग है इसका, अभी ग्रोइंग पीरियड है। और ये देखिए बिल्कुल मैंने इसे लगा के छोड़ दिया है
और बिल्कुल आपके गार्डन में ये बहुत अच्छे से मतलब ग्रीनरी देंगे। इसके कलर ही इसकी ब्यूटी होती है और इसके जो लीव्स हैं चैन जैसे इसमें डिज़ाइन बनी होती है। और सर्कुलेंट प्लांट मेरे पास बहुत ही सारा थे, लेकिन हमारे यहाँ कैट ने ना सभी को डैमेज कर दिया है, उसके कारण मेरा मन है ना अब सर्कुलेंट लगाने को नहीं होता है। तो जितने भी हैं उसे तो मैं बल्कि सेव कर सकती हूँ, तो बस वही करना है मुझे अब। और बाकी जब तक मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं हो जाती प्लांट को रखने की, तो अब मैं कोई सर्कुलेंट प्लांट नहीं लगाने वाली हूँ। बहुत केयर लगता है, समर में भी बचाव, और हमारे यहाँ का जो वेदर होता है ना बहुत हॉट टेम्परेचर होता है। सभी ये जो प्लांट होते हैं वो ठंडे प्रदेश के प्लांट होते हैं, तो अगर आप इसको केयर कर सकते हैं, थोड़ा सा डेलिकेटेड होते हैं ये प्लांट, तो आप केयर करिए। अन्यथा मतलब ज़्यादा वैरायटी ना लाएं सर्कुलेंट की, अगर आप केयर कर नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी कटिंग लगा दी है। और जितनी इस प्लांट को आप पिंचिंग करेंगे, जब ये प्लांट पूरा थोड़ा बुशी हो जाएगा ना, तो इस प्लांट को आप अच्छे से पिंच कर दीजिए। पिंच करने से क्या होगा, जितनी आप इसे पिंच करेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस उतने ही होंगे और आपका प्लांट काफ़ी बुशी होते जाएगा। तो और इस कटिंग को रखने वाला जो एरिया है अभी सेमी सेड एरिया है, मतलब छनकर जहाँ पे धूप आती है वैसे एरिया में से रखिए लगभग 1 वीक। उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ नज़र आ जाएगी ना, तो आप उसे फिर से फुल सनलाइट में निकालिएगा। और सनलाइट इसमें बहुत मायने रखता है, सनलाइट अगर इसमें बहुत तेज़ पड़ेगी ना तो ये लैगी से मतलब इसके लाइट कलर हो जाता है, और ये जो रेनी सीजन वाला सनलाइट इस पर अगर पड़ता है ना तो इसके जो कलर है ना इस टाइप से निकल कर आते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, आँखों को बहुत सुकून मिलता है इससे। तो इस तरीके से तो ये सीडम ग्रास है, और एक और गोल्डन चैन सीडम ग्रास होता है, तो वो भी अगर मेरे गार्डन पे थोड़ा बहुत बचा होगा तो मैं आप ज़रूर उसे आपसे शेयर करूँगी। तो बस फ्रेंड, तो इतना ही बताना था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और आगे ही मैं आपके लिए बहुत सुंदर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊँगी, जो मुझसे अगर अच्छी अच्छी जो है वीडियो जो मैं शेयर कर सकूं आपसे ज़रूर लाऊंगी। तो आप भी मेरी सारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो सभी मैं आपसे हर चीज़ शेयर करती हूं अपने गार्डन के टिप्स वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।